पढ़ो लिखो जी। आ ई क ख ग घ पढ़ो लिखो जी। आ ई क ख ग घ पढ़ो लिखो जी। तुम सब साथी बन जाओ होशियार, बहना बन जाओ होशियार। पढ़ लिख कर तुम सब साथी बन जाओ होशियार, साथी बन जाओ होशियार। अक्षर ज्ञान की दीप जला लो, कट जाए अंधियारा। अक्षर ज्ञान के दीप जला लो, कट जाए अंधियारा। पढ़ो लिखो भाई, मुझे तो पढ़ के बहुत फायदा हुआ। और देश के बाकी हिस्सों में क्या हो रहा, आपको कैसा लग रहा? देखिए, आप खुद साक्षर हो चुकी हैं। अब सबसे पहले आपको ये जरूर महसूस हुआ होगा कि आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है, और इस आत्मविश्वास से आपके परिवार में, आपके समाज में जरूर प्रभाव पड़ा होगा। दूसरा फायदा ये है कि आपके बच्चों को आप स्कूल जरूर भेजती होंगी। हमारा ये अनुभव है कि जो माँ बाप पढ़े लिखे हैं, वो जरूर अपने बच्चों को ना सिर्फ स्कूल भेजते हैं, लेकिन स्कूल में रखते भी हैं। और इस तरह हमारा ये जो साक्षरता का अभियान है, वो स्कूलों के माध्यम से भी आगे बढ़ता है। तीसरी बात यह है महिलाओं का सबलीकरण। आज आप एक शिक्षित महिला हैं, आपको अपने राइट्स के विषय में, आपके हकों के विषय में बहुत ज्यादा जानकारी है। आज आप एक अखबार को पढ़ सकते हैं, आपके घर के बाहर क्या हो रहा है, आपके शहर के बाहर क्या हो रहा है, सारी चीजों की जानकारी आप ले सकती हैं। चौथी बात बहुत ही मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आपके मन में एक भावना जरूर जागेगी कि मैं अपने पैरों पे कैसे खड़ी हो सकती हूँ। और ये जो इच्छा है कि मैं खुद कुछ करूं, कुछ करके दिखाऊं, अपने आप कुछ ऐसी चीज, घर में बैठे हो बेशक, ऐसी चीज कोई शुरू करूं जिससे मुझे भी कोई आमदनी हो, मैं भी अपने आप का जो अंदर छुपा हुआ जो अस्तित्व है उसको मैं पहचानूं, ये जो भावना हम जागृत करते हैं, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी बात है। आंध्र प्रदेश का तेलंगाना इलाका और यहाँ के नवाब कुली कुतुब शाह का गोलकुंडा किला। आप शायद जान ही गए होंगे कि हम किस इलाके की बात कर रहे हैं। और अगर गोलकुंडा किला से आपको शहर के बीचों बीच खड़े चारमीनार के पास ले जाएं, तो आप खुद ही कह उठेंगे, ये तो हैदराबाद है। जी हाँ, हैदराबाद। इस बार साक्षरता को लेकर हम यहीं की बात करेंगे। ना जाने इतिहास के कितने ही परिवर्तन निजामों के शहर ने देखे हैं, और आजकल तो ऐसा ही कुछ अलग परिवर्तन यहाँ के निरक्षरों की झोपड़पट्टी और पुरानी बस्तियों में देखने को मिल रहा है। ये परिवर्तन है यहाँ हैदराबाद में चलाए जा रहे साक्षरता कार्यक्रम की देन। साक्षरता कार्यक्रम को नाम दिया अक्षर ज्योति। वाकई जैसा नाम वैसा ही काम। ना जाने कितने ही नव साक्षरों के जीवन में इस ज्योति का प्रकाश फैल रहा है। अगर आप इस प्रकाश को देखना और महसूस करना चाहते हैं, तो चलिए हमारे साथ। सबसे पहले हम चलते हैं खादरिया कॉलोनी में। कॉलोनी क्या है, एक पुरानी बस्ती है। यहाँ के रहने वाले बाशिंदे आस पड़ोस के गांव से आकर यहाँ बसे हैं। काम करते हैं प्याज बेचने, शहर में ऑटो चलाने और अगरबत्ती बनाने का। ज्यादातर परिवार मुस्लिम संप्रदाय से हैं। वैसे ज्यादातर क्या, अमूनन सभी ही हैं। यहाँ की आम सी चलती जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई।
गली के ही किसी घर से अलिफ बे पे ते की आवाजें सुनाई देने लगी। कुछ पढ़ने खुद ही आने लगे और कुछ ने पूछा, भाई क्या फायदा होगा? फायदा क्या होगा, इसके जवाब भी खुद ही मिलने लगे। विटामिन क्या होता है, बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है, इन सवालों के जवाब अब यहाँ के नवसाक्षर ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। एक साल के अंदर सभी टीके लगवाइए, अपने लाडले की जिंदगी महफूज बनवाइए, विटामिन ए खुराक पिलाइए, अंधेपन को रोकिए। देखा पढ़ने लिखने का फायदा, गलियों में आवारा घूमते बच्चों को भी एक नया खेल मिल गया है। खेलो भी और साथ साथ पढ़ने का माहौल भी बनाओ। पहले माँ बाप भी अनपढ़ थे और बच्चे अंगूठा टेक, पर आज तस्वीर कुछ और ही है। बच्चे पढ़ा रहे हैं अपने अब्बा अम्मी को। आइए अलिफ बे पे का फायदा इनसे ही सुने, इनकी ही जुबान में। पाए से बहुत कुछ फायदे है, कोई घर के बाहर है तो लेटर्स लिख सकते, दवाखाने गए तो कुछ लिखावा तो पढ़ सकते, बस का नंबर देख सकते, किताबें पढ़ सकते, छोटे भाई बहन को पढ़ा सकती हूँ, लेटर लिख सकती हूँ भाई बहन को। और मोहल्ले की ट्रेन प्रशिक्षित छोटी बाई अक्सर दोस्ती के सेंटर को जाना शुरू करे, उर्दू में साइन करना आ गया, फिर बसेस के लमरा मालूम हो गए, फिर दाया की ट्रेनिंग में गए, वो पूरे तजुर्बे मालूम हो गए, उसमें भी फायदा हुआ हमारे को। महल में डिलीवरियाँ हो रहे तो डिलीवरियाँ करती हूँ, अगर कुछ ऊंचींच होगा तो पहले बुला के बताते हैं, तो हम देख के फलान जगह चले जाओ बल्कि डायरेक्ट भिजा देते हैं। ये तो थी अक्षरों से आई परिवर्तन की इस खादरिया कॉलोनी की कहानी। अब चलिए हैदराबाद के ही दूसरे इलाके लाल दरवाजा से आगे पार्वती नगर में। ये इस्लाम को बोलते हैं पार्वती नगर, ये हैदराबाद सिटी में है। इधर 150 फैमिलीज है, ये पूरा बेड़ा बुड़गा जंगम है, इन लोग हरिजन में आते हैं, और इधर 250 वुमेन है और एक 325 मेल है। ये लोग बिल्कुल अनपढ़ है, बहुत गरीब लोग हैं। इन लोगों को हम टोटल लिटरेसी कैंपेन में अक्षर ज्योति बोल के हैदराबाद में जो प्रोग्राम चल रहे हैं, ये प्रोग्राम में हम इन लोगों को लिटरेसी सिखाए, पढ़ना लिखना सीख लिए। सुबह के समय अगर आप आए तो सिर पर बर्तनों का ढेर लेकर जाती महिलाएं आपको दिखाई देंगी। पूछने पर पता चलेगा कि पुराने कपड़ों के बदले ये बर्तन देने का काम करती हैं। ये काम कैसे शुरू किया, बर्तनों का पैसा कहाँ से आया, ये सवाल पूछने पर जवाब मिलेगा। शाम को पार्वती नगर आइए, खुद ही मालूम चल जाएगा। सचमुच में शाम को वहाँ जाने पर खुद ही जवाब मिल गया जब इन महिलाओं का छोटा सा बचत बैंक देखा। रोज के 1 रुपए के हिसाब से महीने का 30 रुपया जमा, ऐसा करीब 25 महिलाएं कर रही हैं। इस छोटी छोटी बचत से ही आगे चलकर लोन लिया और शुरू किया अपना ये बर्तनों और कपड़ों का रोजगार। पर ये अकल आई कहाँ से और कहाँ से मालूम चला, और अब ये हिसाब किताब पैसा जमा करके बैंक में जमा कर रहे सब, सब जने सात जने बैंक में महीने तक, एक महीने तक 30 रुपए पैसा वसूल करके, सब जने वसूल करके पैसा सब उधर डाल के बैंक में डाल के हम जमा करा ले रहे हमारे बच्चे के वास्ते, हमारे के वास्ते थोड़ा पैसा रही ना उसमें बोल के रोजाना 1 रुपए 30 दिन को 30 रुपया। जी हाँ, साक्षरता कार्यक्रम अक्षर ज्योति की ज्योति ने यहाँ भी अपना प्रकाश दिलाया। ये पढ़ने वाली महिलाएं पहले यहाँ तो घर पर ही रहती या फिर लोगों के घरों में बर्तन धोने का काम करती, फिर पढ़ने के साथ साथ इनकी छोटी सी सिमटी हुई दुनिया फैलने व खुलने लगी। पूरे जोश के साथ चलती इन साक्षरता कक्षाओं को देखने का अपना एक अलग ही आनंद है। इन कक्षाओं में आने पढ़ने का असर देखिए जरा इन महिलाओं पर। मुख्यमंत्री को हम चिट्ठी लिखे, कहीं को बोलता था हमारे को घर होना, घर बनाना और लाइटा होना, हमारे को पट्टा होना। अक्षर ज्योति पहले हमको नहीं पढ़ा है, हमारे को नहीं मालूम है, अक्षर ज्योति में जा रहे ना, अच्छा ये बच्चों को पोलियो दिए। इनकी दुनिया के बढ़ते हुए दायरे और विकसित होती सोच को देख खुद ही लगने लगता है कि पढ़ना लिखना है कितने लाभ की बात। उत्साह भरे गीतों में ही खो गए, जबकि हमें अभी घूमना है मिर्शीगंज के इलाके में भी। मिर्शीगंज भी पुराने हैदराबाद की एक बस्ती है। यहाँ की नवसाक्षर बुतुल से मिलिए,
सर पर बाप का साया नहीं है और कमाने वाले के हाथों में बुतुल के नन्हे हाथ भी हैं। पढ़ने से पहले बुतुल के और उसके परिवार के पास काम ज्यादा था और मुनाफा कम। इसी बस्ती में नसरीन भी रहती है। वो और उसकी बहनें रोज 8 से 10 घंटे काम करती हैं। रोज ही रात होते होते हाथ दर्द करने लगते हैं और कमाई सिर्फ 5 से 6 रुपए रोज। क्या काम ऐसा ही चलता रहेगा या कभी कुछ बदलेगा भी? ये सवाल यहाँ के रहने वाले कितने ही बड़ों और बुतुल और नसरीन जैसी बच्चियों के सामने आता था, पर जवाब में कुछ भी नहीं, सिर्फ अंधेरा ही। फिर आई इनकी रोज की आम सी जिंदगी में साक्षरता, पढ़ने लिखने की बातें, और बस तभी से बदलाव के दिन आने लगे। हम लोग ना पढ़ाई के साथ साथ बच्चे जो काम करके आते ना, जैसा कांटे बनाते, अगरबत्ती बनाते, तो उन लोग के हाथ में थोड़े बहुत पैसे आ जाते, तो वो बचत करने के लिए हमको बोले कि 1 बच्चे से 1 रुपया जमा करना। वैसे महीने में 30 रुपए हो जाते और 10 बच्चों के महीने में 300 रुपए हो जाते। वो हम पासबुक में जमा करते, ये पैसे अगर वहाँ पर सर के पास बताए तो उन्होंने लोन देते। उससे बड़ा काम कोई सर्फ बनाना या मोमबत्ती का कारखाना, ये ऐसा लगाने से और भी बहुत सारे बच्चे काम सीख सकते और उसको ज्यादा मुनाफा उठा सकते। पहले पहल तो आने का संकोच और पहले आए कौन, इन बातों को दूर करने यहाँ की प्रेरक सफिया घर घर गई। आज यहाँ दिन में लगती कक्षाओं में पढ़ती बहुत सी महिलाओं की तो बचपन की ख्वाहिश पूरी हो रही है। अपने काम के समय में से रोज 2 घंटे का समय निकाल सीधे आने लगे अक्षर ज्योति की कक्षाओं में। पाठ 1, 2, 3 और ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते ये कहाँ आ पहुँचे हैं, ये जानना चाहेंगे। मैं खुद पढ़कर ऐसा काम करूंगी जिससे अपने काम की भलाई भी हो और मेरा नाम भी हो। आप तमाम लोगों के लिए मेरा ये पैगाम है, हम होंगे कामयाब। मैं पहले घर में ही रहती थी, लेकिन मेरा दिल चाहा कि मैं अपनी तालीम दूसरों को दूं। सोशल वर्कर के जैसा मैं घर वालों से लड़ झगड़ कर तालीम देने बाहर निकली। अब दूसरों से नहीं पूछना पड़ता, अब हमारी खुदी से हम ला ले सकते बाजी कन पड़े जब से। हाँ बाजीकन करते, पदपो जति में 30 रुपए रोज, 1-1 रुपया रोज दे देती, महीने को 30 रुपए होते हो। अब मुझे सिलाई में मुझे बहुत फायदा होगा कि मैं हर एक से जिससे लियूं हिसाब किताब सब इजी करने लगेगी, बच्चों को भी थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। अब आप बताइए, इन इलाकों में रहने वाले पढ़ने वाले नवसाक्षरों से मिलकर उनकी बातें सुनकर तो आप मानते हैं ना, नवाबों के शहर हैदराबाद के इतिहास में एक नया सुनहरा पन्ना जुड़ रहा है। और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जब ये नन्हे हाथ लिख रहे हैं, मेरा भारत महान, हम होंगे कामयाब। गांव में तो आपका ये अभियान चल रहा है, तो शहरों में आप कैसे देखते हैं, कैसे कार्यक्रम चलाते हैं? क्योंकि शहरों में तो ज्यादा करके पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो अनपढ़ होते हैं वो ये भी नहीं कहते कि हम अनपढ़ हैं, सब पढ़े लिखे बताते हैं। तो आप कैसे उनको पढ़ाते हैं, मतलब जो अभियान चला रहे हो, कृपया बताएं। देखिए शीला बहन, ये बात तो सच है कि शहरी इलाकों में समस्याएं बहुत ज्यादा गंभीर है, और उसकी ये वजह है कि एक तो जैसे आपने कहा कि लोग अपने आप को हमेशा साक्षर ही बताते हैं, दूसरी बात यह है कि एक दूसरे पारस्परिक जो संबंध हैं वो बहुत कम है, एक दूसरे को मदद करने के लिए लोग आगे नहीं बढ़ते। तो इस माहौल में वॉलंटियरों को ढूंढना, वॉलंटियरों को प्रेरित करना, वॉलंटियरों से क्लासें चलाना, और जिन क्षेत्रों में हम इस कार्यक्रम को चला रहे हैं उसको देर तक चलाना, उसको हमेशा जो हमारे लर्नर हैं जो पढ़ रहे हैं उनको प्रेरित करके रखना, ये सारी समस्याएं शहरी इलाकों में बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती। और हमने ये भी देखा है कि बॉम्बे जैसे अगर आप शहर ले, मद्रास जैसे शहर ले, हैदराबाद जैसे ले, तो इन बड़े बड़े शहरों में हमारी जो गति है वो जरूर धीमी है अन्य गाँव इलाकों के मुकाबले में। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगले 2-3 सालों में शहरी इलाकों के तरफ हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और इसी सिलसिले में मैं आपसे कहना ये भी चाहूंगा
कि निकट भविष्य में हमारे दिसंबर इस महीने के अंत में एक खास प्रोग्राम हम बंबई में कर रहे हैं, जहां शहरी इलाकों से जो विशेषज्ञ हैं, वॉलंटियर हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सबों को लेकर एक शिविर हम वहां कर रहे हैं। और इस तरह हम ऐसे कुछ विचार वहां रखेंगे और जिनको लेकर हम इस कार्यक्रम को शहरी इलाकों में और भी गति से चला पाएंगे। मुंबई माया नगरी, इस महानगर में साक्षरता कार्यक्रम सुनने में कुछ अजीब सा लगता है ना। यहाँ की भागती दौड़ती जिंदगी में और सब कुछ है पर समय नहीं है। ऐसे में साक्षरता की बात, जी हाँ, ऐसे में ही साक्षरता कक्षाएं चलाई गई और उनमें सफलता भी मिली। मुंबई में हमारे यूनिवर्सिटी के जो एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनके लोगों ने डॉक्टर गोड़े के उसमें कक्ष में एक 60 दिन में एक स्लम एरिया में निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर किया। मतलब जो भी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने जो स्तर बताया है साक्षरता का, उस स्तर के ऊपर ये 60 दिन में इन व्यक्तियों को सिखा पाए। मुंबई जहां सब कुछ चलता है पैसे के इर्द गिर्द ही, और अधिकांश निरक्षर जो झोपड़ पट्टियों में रहते हैं उनका दिन तो गुजर जाता है पैसा कमाने में ही, फिर ऐसे में समय कहां पढ़ने को, ये सवाल था जो पहले उठता था। कोई निश्चित समय नहीं पढ़ने के लिए, तभी तो एक खास तरह की मुहिम चलाई गई पढ़ाने के लिए। एक ही एरिया में तीन तीन चार चार समय पे ये क्लासेस चलाए या लोगों को पढ़ाए तो उनको ज्यादा सुविधा हो जाती है। यानी कि मिसाल के तौर पर सुबह 11 से 1 बजे तक, या एक बैच, दूसरी बैच 1 से 3 बजे तक, तीसरी बैच 3 से 5 बजे तक, और चौथी बैच 6 से 8 बजे तक, ऐसे तीन चार बैचेस उसी कम्युनिटी में रखे तो उनको सुविधा हो जाती है, सहूलियत हो जाती है अनपढ़ों को, कि जिस बैच में वो आना चाहते हैं आ सकते हैं, उस बैच में आए और पढ़े। आज ईच वन टीच वन के साथ साथ कुछ इलाके में सामूहिक कक्षाएं भी चल रही हैं, जहां एक विद्यार्थी एक बुजुर्ग को पढ़ाता है, कभी कभी अपनी माँ और पिताजी के उम्र वालों को भी। पढ़ने के साथ ही एक सुखद और खूबसूरत पहलू भी सामने आया है इन साक्षरता कक्षाओं में, वो है राष्ट्रीय एकता और आपस में मिलजुल कर रहना। बहुत ही सुंदर दृश्य होता है कि एक कक्षा में सबके लिए दुआएं मांगी जाती हैं और साथ ही प्रार्थना भी पढ़ी जाती है। देश के कोने कोने से रोजी रोटी की तलाश में आए लोग एक ही कक्षा में, लगता है मानो सारा देश ही यहाँ सिमट आया हो। हम मंगलोर में रहने वाले, रायगढ़ जिले में, काठमांडू नेपाल के, चिरीगढ़ गोरखपुर। है ना विविधता में एकता। कोई 2 साल पहले यहाँ कार्यक्रम चलाया गया साक्षरता हक समिति साहस नाम से। 2 साल में इन नवसाक्षरों में क्या कुछ बदलाव आए हैं, इनको पढ़ाने वाली सकीना ज्यादा बेहतर बता सकती है। जब वो हमारे क्लास में आते थे, वो लोग किताब छुपा के लेके आते थे, साड़ी में ऐसे छुपा के, और बहुत शर्माते थे। और मगर आज हमारे यहाँ वो लोग शर्माते नहीं है, और जब बच्चे को उन लोग छोड़ने आते हैं हमारे केजी सेक्शन में, तो उस टाइम बच्चे यहाँ नीचे पढ़ते हैं और ऊपर उन लोग का क्लास रहता है। उनको बहुत ही कॉन्फिडेंस आ गया है और बहुत अपना आत्मविश्वास बढ़ गया है। बात पढ़ने की और जीवन शैली हो सबसे बड़ा रुपया वाली, तो यहाँ साक्षरता की बात भी ऐसे ही शुरू की जानी चाहिए थी और ऐसे ही की भी गई। पढ़ लिख कर नव साक्षर बन वे अपने पैरों पर खड़े हो सके, अपने निर्णय खुद ले सके, पूरा साक्षरता कार्यक्रम कुछ इसी तरह चलाया गया। आज 2 साल बाद यहाँ चलाए गए साक्षरता कार्यक्रम की उपलब्धियाँ खुद ही सामने दिखाई देती हैं। इनसे मिलिए, ये हैं दीपा जी मिस्त्री। पढ़ने लिखने से हमको ऐसा लगा कि कुछ करना ही चाहिए, जो टाइम बचता है दोपहर के टाइम में, वो 4 औरतें मिल के हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो ये सोच के हम लोग ने ये अगरबत्ती धंधा खोल रखा है, और ये माल जो लाते हैं अभी पढ़ सकते हैं, तो माल बाजार से लाके हम लोग ये अगरबत्ती बना रहे हैं। आज दीपा जी की अगरबत्ती उनके मोहल्ले और आसपास के इलाके में खूब चलती है। और आप हैं सरताज हसनैन खान। पढ़ने लिखने से ये फायदा हुआ कि अपने बच्चों को भी पढ़ा लिखा सकते हैं थोड़ा बहुत, और हमको अच्छा खासा 3 तक पढ़ लिया है, पढ़ना लिखना आ गया, और ये इसमें मोमबत्ती भी बनाना सीख गए, इससे हमको कुछ इनकम भी होने लगी है, अपने आजू बाजू में बेच डालते हैं। सरताज की मोमबत्ती
इनके घर के साथ ही साथ औरों के घर को भी रोशन कर रही है। दीपा जी मिस्त्री और सरताज आज साक्षर होने के बाद अपना रोजगार कर खुद ही कमा रहे हैं, पर दो साल पहले इनकी और दुर्गा देवी की हालत एक सी थी। कहीं जाते हैं तो बोर्ड लगा होता, पहले हम जाते थे तो ऐसा लगता था क्या है बोर्ड में, क्या चीज है, कुछ समझ में नहीं आता था। अभी समझ में आता है, अभी अक्सर पहचानने में आता है। खेरवाड़ी और मनीपाड़ा या ऐसे ही किसी भी इलाके में जाकर नवसाक्षरों से मिलिए तो हर एक के पास पढ़ाई लिखाई के बाद आए सुखद परिवर्तन की शानदार बातें हैं। पहले अपने को मालूम नहीं था पोलियो पिलाने से क्या होता है, अभी बुक पढ़ने से मालूम पड़ गया पोलियो पिलाने से लाभ होता है। इसके लिए अपना 7 महीने का बच्चा है उसको अभी पोलियो पिलाने को भी शुरू किया, लगाने को भी शुरू कर, और अच्छे से देखभाल भी करने को होता है। और लक्ष्मी चेतीवाला, पढ़ने लिखने से ना माँ के चिट्ठी दिया और वापस चिट्ठी आया, खत आया उसका। अब साहब और कितने किस्से ही नवसाक्षरों के आपको बताएं, सुबह से शाम हो जाएगी पर किस्से खत्म ना होंगे। हर कोई है साक्षरता से जीवन में आए नए उजाले के साथ। चलिए चलते चलते दो और नवसाक्षरों से आपको मिलाया जाए। पहले मिलते हैं नारायण देवड़िया से। पाव भाजी का गली में ठेला लगाते हैं, पहले किसी प्राइवेट मिल में काम करते थे, मिल बंद हुई तो सड़क पर आ गए। इसी बीच साक्षरता की कक्षाएं इलाके में शुरू हुई तो पढ़ना शुरू किया, और आज नारायण साहब का पढ़ने लिखने के बाद आया आत्मविश्वास और इससे शुरू किया गया रोजगार खुद ही क ख ग सीखने की सफलता को कहता है। पहले बाबूजी बिल्कुल कुछ पढ़ लिख नहीं सकते थे, किंतु जब से ईच वन टीच वन का ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है तब से कभी ये मेरे यहाँ आते तो कभी मैं इनके यहाँ पढ़ाने जाती, और अब देखिए इन्होंने कितने डेवलपमेंट्स किए। ये खुद अपने घर गांव में ये मनी ऑर्डर बेच सकते हैं, और ये देखिए अब इन्हें सेविंग्स की अहमियत पता चली है, और इसलिए इन्होंने खुद अपने नाम पर और अपने बेटे के नाम पर ये बैंक में सेविंग्स खाता भी खोल रखा है। और दूसरी है शांतम्मा। पढ़ने लिखने से कॉम्पिटिशन आया, अभी धंधा चल गया, अभी मिलता है रोज 100-150 रुपए मिलते हैं। आज नवसाक्षर शांतम्मा का शुरू किया झाड़ू बनाने का काम पूरे परिवार को रोजगार भी दिए है और आमदनी भी। नारायण, शांतम्मा, दुर्गा देवी, जागेश्वरी, बिंदु, लक्ष्मी और ऐसे ही ना जाने कितने नवसाक्षर हैं इन बस्तियों में जिनके जीवन में साक्षरता के अक्षर क ख ग और अलिफ बे पे एक नया उजाला लेकर आए हैं। अब तो मानते हैं ना कि साक्षरता को लेकर साक्षर होने के लिए दुआ में उठे हाथ अपने और देश के विकास के लिए ही हैं। पढ़ो लिखो भाई मेरी बहना, पढ़ो लिखो जी, आ ई क ख ग घ पढ़ो लिखो जी, आ ई क ख ग घ पढ़ो लिखो जी। तुम सब साथी बन जाओ होशियार, बहना बन जाओ होशियार, पढ़ लिख कर तुम सब साथी बन जाओ होशियार, साथी बन जाओ होशियार, अक्षर ज्ञान की दीप जला लो कट जाए अंधियारा, अक्षर ज्ञान